नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन डोंगरे। मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को एक अपील करना चाहता हूँ। रमज़ान के दिनों में जब आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद में शाम के समय किडनी और बॉडी की स्थिति डिहाइड्रेटेड होती है, और इफ्तार के बाद में अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, ख़ास तौर पे कोई भी तरह का कोल्ड ड्रिंक, मैं सिर्फ किसी पेप्सी, थम्सअप, सेवन अप, स्प्राइट या किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ख़ास तौर पे जो गैस वाली कोल्ड ड्रिंक रहती है, चाहे वो जीरा सोडा हो या इस तरीके का पिंच हो या कोई भी चीज़ जिसके अंदर गैस होती है, अगर इसको आप पिएंगे इमीडिएटली इफ्तार के बाद, तो कई बार चांसेस है कि किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा आके किडनी फेल होने के भी चांसेस है। तो मेरा ये महत्वपूर्ण मैसेज सारे लोगों के बीच में आप फैलाइए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूँ, इस नाते से आज का मेरा ये वीडियो मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को और बच्चों को है कि आप रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद में कोल्ड ड्रिंक, जो गैस वाली कोल्ड ड्रिंक है, वो न पिए। थैंक यू।